वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो ये वाला लुक देख रहे हैं, ये प्लेट वाला लुक है और बहुत ही गॉर्जियस है। और ये इसका प्लेट्स भी मैंने बहुत अलग तरीके से बनाए हैं और पल्लू भी बहुत अच्छा है और अलग तरीके से है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये वाला लुक आपको कैसे क्रिएट करना है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर वे में साड़ी पहनने का और ऐसा वाला लुक क्रिएट करने का। इस लुक को आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, पार्टी या कोई फंक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमने साड़ी पेटीकोट पहन रखी है, हम अपना साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं एक कॉर्नर से। तो ये हमने साड़ी ले ली है अपनी, अब हम इसे नॉर्मली टकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने बैक से इसको टकिंग करते हैं, यहाँ पे टक करेंगे बैक की तरफ से और यहाँ तक इसको हम टक कर लेंगे। एंड इसके बाद से अब हम यहाँ पे बैक से अच्छे से फिनिशिंग के साथ टकिंग करने के बाद हम इसको यहाँ पे छोटे छोटे से प्लेट्स देंगे। हमें बहुत ज़्यादा प्लेट भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं। और ये देखिए हमने यहाँ पे और टकिंग कर ली। और यहाँ पे वापस से मैंने यहाँ टक कर लिया। ऐसे ही हमें टकिंग करते जाना है। और ये भी हमने कर लिया। आपको भी ऐसे प्लीट्स बना बना के टक करना है, ये बहुत आसानी से हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आप इस वाले लुक को किसी भी फैशन शो या पार्टी में क्रिएट कर सकते हैं। लड़कियों के लिए बेस्ट है, टीनेजर गर्ल्स के लिए दिवाली में भी आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो ये देखिए तो ये हमारे प्लेट्स ऐसे बनते जा रहे हैं, ऐसे ही हमें प्लेट्स को बनाना है। हमें ध्यान से प्लेट बनाने हैं, हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब यहाँ पे कॉर्नर तक बनाने हैं, मतलब फ्रंट का जो एरिया है अच्छे से हमारी प्लेट से ही कवर हो तो ज़्यादा बेटर है। और इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और अब ने लास्ट हम पल्लू की बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और एक थोड़ा सा फैब्रिक कम हो गया था इसमें, तो पल्लू के लिए हम ऐसे मैनेज कर लेंगे। आप जितना लंबा पल्लू करना चाहें उतना कर सकते हैं और प्लेट थोड़ा सा कम कर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब देखिए सिंपली हम पहले ऐसे कर रहे हैं और हमें बस यहाँ पे लेस वाला ही दिखाना है, लेस का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप साड़ी तो आप समझ ही गए हैं कि आपको लेस वाली ही साड़ी लेनी है। तो ये देखिए मैं ऐसे करके साड़ी को मैंने ऐसे पहन लिया है। अब अपने प्लीट्स बना रहे हैं। सिंपल आपको फैब्रिक को एक साथ में पकड़ करके ऐसे प्लीट्स बना लेनी है, छोटी छोटी प्लीट्स देकर। और उसके बाद हमें यहाँ पिनअप कर लेना है, बट अभी भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। नॉर्मली आप ऐसे मेज़र करके यहाँ पिन कर ले पहले, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। एंड अब ये हमने यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया। अब इसके बाद से हम एक एक करने के बाद ये हो गया। यहाँ पे एक पिन हम लगा लेंगे।
तो यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे तो हमारा जो लेस है वो परफेक्ट रहेगा और बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं और अच्छे से रहेगा। और एक पिन ले करके हम अपने जहाँ पे हमने प्लीट्स बनाई हैं नीचे के उससे सिक्योर कर लेंगे, दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना जाए और भागे ना। और ऐसे तो ये देखिए अब हमारे परफेक्ट जो प्लेट्स हैं वो बन गए हैं और जो लुक है मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा ध्यान देके आपको थोड़ी सी फिनिशिंग ला लेनी है अपनी साड़ी में कि जो प्लेट्स बनाए हैं उसके थोड़ी भी फैब्रिक बाहर ना निकले और जो प्लेट्स हैं साड़ी की वो भी परफेक्ट हो। ये सब जब परफेक्ट होगा तभी हमारी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास आ जाए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो ये वाला लुक आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई न्यू आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या कोई एक्ट्रेस है उसका लुक है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो वाला लुक क्रिएट करके ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।